हाई एवरी वन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी नीट बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑलरेडी दिस पोर्शन हैज़ बिन स्टार्टेड ऑन प्लस पाँच तारीख से शुरू कर दिया था मंडे को इसका नेक्स्ट सेशन होगा सेवन पी एम इज़ द टाइमिंग जिसपे हम प्लस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जितने भी प्लस पे बच्चे थे उनके लिए एक प्रैक्टिस यू नो सीरीज़ चल रही है यू कैन एनरोल फॉर दिस आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग सेवन पी एम सेशन ऑन प्लस अगला चैप्टर जो हमारा अगला टॉपिक होगा मंडे को दैट विल बी

Topic, Last class में हमने कर लिया था आज की क्लास में Megasporogenesis Megasporogenesis से ही आगे कंटिन्यू करेंगे right. ग्यारह बजे का टाइम एज वेल एज ए एम एंड प्लस पे हम लोग सेशन करते हैं फाइव पी एम अभी टेन थाउजेंड क्वेश्चन वाली जो सीरीज है दैट इज गोइंग ऑन एट सेवन पी एम ठीक है ऑल्टरनेट डे जा रहा है मंडे वे एंड फ्राइडे जा रहा है तो दैट यू कैन गो फॉर इसके अलावा स्पेशल क्लास है टू थर्टी पे टू थर्टी पी एम पे हमारी आज एक स्पेशल क्लास है जैसे हमेशा होती है यूट्यूब uh, सेशन के बाद एक प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन में अभी तक क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था तो मैंने क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे नहीं थे बट आज की क्लास में वी विल बी सॉल्विंग अ फ्यू क्वेश्चन अगर आपको बाई चांस अगर आपको बाय चांस अभी तक लिंक नहीं मिला है तो यू कैन गो एंड फॉलो माय प्रोफाइल ऑन एन अकेडमी लेकिन उसको पिन भी करा देते हैं राइट और राइट चलिए ओके बेटा चलो बेटा शाबाश नोट्स आई होप सबके पास हो सबके पास अपना एनसीईआरटीज हो सब एनसीईआरटी साथ रखेंगे नोट साथ रखेंगे वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑलराइट माइक्रोजपोरोजेनेसिस लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन प्लांट के फ्लावर uh, के पार्ट्स देखे थे हमने फ्लावर पार्ट्स इसके साथ-साथ वी स्टडीड द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज स्टेमन स्टेमन के अंदर हमने एंथर के स्ट्रक्चर पढ़े थे एंथर में हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पुरानजियम है माइक्रोस्पुरानजियम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा माइक्रोस्पुरानजियम के स्ट्रक्चर में हमने हर एक लेयर का फंक्शन देखा उसके बाद हमने स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर देखा कैसे माइक्रोस्पोर बनता है और फिर देखा कैसे मेल गेमिटोफाइट डेवलप होता है काइंड kind ऑफ of वही सारी चीज़ें आज हम शुरू करेंगे फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ठीक है तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे वहां पे हमारे पास स्टेमन था यहाँ पे हमारे पास कार्पलिन राइट ऑन विच एज स्टिग्मा ये जो डंडी है जो बेसल नीचे, है, है, ओवरी. ओवरी नीचे वाला सोलन सूजा हुआ फूला हुआ स्ट्रक्चर जिसके अंदर ओव्यूल होता है ठीक अगर आप ओवरी के अंदर देखोगे तो आपके पास एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं अभी तो ठीक है यू विल फाइंड एन ओव्यूल ठीक ओव्यूल जिस बाउंड्री में है आप देखो ये कवर है जो इसका इफ यू लुक एट दिस पार्ट ये वाला पार्ट है ना ये क्या हो गया थिकनेस हो गया ओवरी की वॉल ये थिकनेस हो गई ओवरी की वॉल सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी वॉल ठीक है अगर मान लो आप ओव्यूल हो और आप अपने कमरे में बैठे हुए आपके पैर नीचे जुड़े हुए हैं ठीक है फर्श पे चिपके ये पूरा कमरा जिसमें आप हो ना दैट रूम इज नोन एज योर चेंबर दैट इज योर लोक्यूल ठीक है तो ओव्यूल का जो चेंबर है जो ये कमरा है इसका इसको हम कहते हैं लोक्यूल ठीक है आप नीचे वाले पार्ट पे इस कमरे के नीचे वाली दीवार पे चिपके हो ठीक है अगर साइड में चिपके हो लेफ्ट ऊपर नीचे जैसे भी आप पैरों से चिपकोगे ठीक है द स्टॉक ऑफ योर बॉडी आपकी बॉडी का जो डंडी है दैट स्टॉक सिमिलरली इन ओव्यूल के अंदर हमारे पास जो स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल डंडी है ठीक है लॉक्यूल क्या है चेंबर चेंबर मतलब कमरा 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 है कमरा है? है, है, का, का ठीक वो कहा? उस कमरे में नीचे जुड़ा हुआ है, with the help of its, stock, funicle. Right? जिस पे फ्यूनिकल करेगा ओवरी की को, जिस पे फ्यूनिकल करेगा करेगा की की को, को, ये वाला रीजन हो गया वो ज्यादातर ठीक है इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्लेसेंटा का, का काम वही है जो जैसे ह्यूमंस के अंदर है प्लेसेंटा प्रोवाइड्स नरिशमेंट ठीक है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है growing evu, ओ ये आपके embryo और ovule को nourishment करने में help करता है ठीक है right. तो ये basic arrangement हुआ अब अगर स्टिग्मा, ओवरी, जैसा सिर्फ एक स्ट्रक्चर है बॉडी में फ्लावर में तो उस फ्लावर को हम कहते हैं मोनोकार्पलरी क्यों क्योंकि हम तीनों को साथ में कहते हैं कार्पल बिटा राइट दिस इज कॉल्ड कार्पल अगर एक ही कार्पल है इफ देर इज वन कार्पल प्रेजेंट तो हम उसको कहते हैं मोनोकार्पुलरी मोनोमीन्स वन कार्पुलरी कार्पल मोनोकार्पुलरी ठीक है एक कार्पल है फ्लावर के अंदर तो फ्लावर इज मोनोकार्पुलरी अब दो होंगे तो बाई कार्पुलरी तीन होंगे तो ट्राई कार्पुलरी चार होंगे तो टेट्राकाररी बहुत ज्यादा होंगे तो पॉलीकार्पलरी या मल्टी ठीक तो हमने ना दो ही कैटेगरी बनाई है आप जानते हो वन को मोनो बोल रहे हैं टू को बाय बोल रहे हैं, थ्री को ट्राई बोल रहे हैं फोर को टेट्रा बोल रहे हैं फाइव को पेंटा बोल रहे हैं। यू नो दिस ऑलरेडी ठीक है लेकिन हम जस्ट इजी करने के लिए अपना क्लासिफिकेशन हमने बोला अगर एक है तो मोनोकार्पलरी और अगर ज्यादा है मोर सो यू विल फाइंड इट मल्टी कार्पिलरी और उसमें अगर आपको नंबर पता चल जाता है कि चलो दो ही तीन या चार ही है तो आप उसको बाय या टेट्रा बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है नाउ एक है दो अकेला ही है कोई टेंशन नहीं लेकिन अगर दो है या दो से ज्यादा है मल्टी में आ रही है बात तो अब ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं देखो भी फ्यूज्ड टुगेदर सारे के सारे कार्पल्स या हो सकता है दे आर फ्री फ्यूज कैसा दिखाई देगा मान लो ट्राई कार्पलेरी का एक एग्जांपल ले लेती हूँ ठीक है तीन कार्पल्स हैं उसके पास फ्री वाले में आपको वो कार्पल्स ऐसे दिखाई देंगे बेटा सिमिलर अ लिटिल बिट सिमिलर लाइक दिस थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए ये एक ही थैलेमस में है तीनों ओवरीज अलग अलग बैठी है ठीक है वहीं पे फ्यूज्ड वाले में क्या आ जाएगा कभी कभार तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स भी फ्यूज कर जाते हैं बट मैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर फ्यूज नहीं करा रही हूँ सिर्फ ओवरी फ्यूज करा के दिखा रही हूँ आपको यू माइट फाइंड स्टाइल ऑल्सो फ्यूज स्टिग्मा दिखेगा बस ऊपर अलग अलग जैसे आपको इसमें दिखता है ये देखो ये पांच एक दो तीन चार पांच इसको बाइफेडिया इसे डिवाइडेड स्टिग्मा भी बोलते हैं हम पांच है ऊपर स्टिग्मा इसका मतलब स्टाइल साथ में जुड़ गया और ओवरी भी साथ में जुड़ चुकी है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना रोज और अगर ओवरी साथ में फ्यूज है तो फ्यूज वाले को आप क्या बोलोगे सिनकार्पस, क्या बोलोगे सिनकार्पस। फ्री वाले को हम क्या बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है अब एपोकार्पस के एग्जाम्पल में एम जैसे एएम पी एम होता है ना ऐसे एम याद कर लो दिस इज माई शैलिया मैशल या रोज लोटस वगैरह इसमें आ जाते हैं सिन कार्पस में आपके पास एक का एक एग्जाम्पल तो चाइना रोज का आ गया दूसरा दैट यू सी हियर पैपेवर पॉपी यू सी पॉपी एंड चाइना रोज अब बहुत सारे ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं ये चैप्टर ट्वेल्थ का चैप्टर है ना दिस इज द ट्वेल्थ क्लास चैप्टर हमने इलेवेंथ क्लास में मॉर्फोलॉजी नाम का एक चैप्टर किया था ठीक अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ड्रॉपर है और इलेवेंथ और ट्वेल्थ साथ पढ़ना चाहता है और मैम आप इलेवंथ तो करा रहे हो बट मेरे पास टाइम बच जाता है दिन में विच आई डाउट क्योंकि अगर आप पाँच छः लेक्चर्स इकट्ठे अटेंड कर रहे हो तो टाइम नहीं बचेगा आपके पास बट अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैम इलेवेंथ मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था बस ऐसा ना हो जाए कि आई लूज माई टच कि मैं ट्वेल्थ अब दो महीने पढ़ूँ तो मैं इलेवंथ का सारा भूल जाऊँ ठीक है तो आप मुझे एक दो चैप्टर्स ऐसे बता दो जो मैं साथ साथ पढ़ सकता हूँ राइट सो कॉम्बिनेशन ऑफ morphology ऑफ flowering प्लांट्स ऑफ 11th क्लास एंड sexual reproduction इन flowering प्लांट्स ऑफ 12th क्लास is अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ठीक है स्पेशली जो फ्लावर फ्रूट और सीड वगैरह वाला पार्ट है ना मॉर्फोलॉजी में और इधर काफी सिमिलर है आप इन दोनों चैप्टर्स को साथ में एक दिमाग में कनेक्शन बनाते हुए सॉल्व कर सकते हो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एनसीआरटी पलट सकते हो ठीक है एन पलट सकते हो ठीक है अच्छा हाँ ऊपर पिन हो गया बेटा आज की क्लास राइट यू कैन फाइंड द क्लास पिन एट द टॉप और इसी में मैं आपको आज क्वेश्चंस कराऊंगी माइक मेगा स्पोरोजेनेसिस तक के ठीक है वी विल सॉल्व क्वेश्चन टिल देन चलिए बेटा और डाउट्स भी होंगे यहाँ तक के तो वो भी ले आना लिख लिया यहाँ तक वे मूविंग फॉरवर्ड तो अब देखो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी है मेरे पास दिस इज कार्पल कार्पल फ्यूज हो सकता है या फ्री हो सकता है वो हमारे पास क्लासीफिकेशन वैसे अब आज आ जाती है बात कि इज़ द मेन स्ट्रक्चर ठीक है हम ओव्यूल को बोल देते हैं मेगा स्पोरांजियम ठीक है अब एनसीआरटी जो है ना बेटा मेगा स्पोरांजियम बोल देती है ओव्यूल को जबकि ओव्यूल इज एन इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरजियम मेगा फीमेल स्पोरांजियम कैविटी वेयर स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड कोई भी बच्चा अगर कंफ्यूज है प्लीज ये चीज लिख लेना ये चीज लिख लेना स्पोर एंजियम ठीक है कैविटी वेयर स्पोर्स आर फॉर्म्ड ठीक है स्पोरोफिल फिल मीन्स लीफ leaf on which spores are formed ठीक है leaf या लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है वो पत्ते जैसा ही दिखे आपको हो सकता है वो ऐसे फोल्ड हो गया हो जैसे कि हमने स्टेमन में देखा था तो इट कुड गेट फोल्ड इट कुड बी इन अ डिफरेंट अरेंजमेंट स्पोरोफिल स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट प्लांट किंगडम बहुत जाता है दिमाग सीधा स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स स्पोर्स ठीक है इन्हीं वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है ना बार बार अब इसके आगे मैं माइक्रो लगा दूंगी तो मेल हो जाएगा मेगा लगा दूंगी तो फीमेल हो जाएगा माइक्रो लगा दूंगी तो मेल मेगा लगाया तो फीमेल सिंपल ठीक है क्लियर यहां यहाँ तक हम्म कोई लिखेगा इतना है ऐसे स्पून फीड करेगा कोई इस इस टॉपिक पे, कोई नहीं बताएगा ये लिखने को अलग अलग अब कोई बता रहा है तो आना नहीं है क्लास में चप चलो अब आ जाते हैं मेगा स्पोरजियम पे मेगा स्पोरजियम इज द स्ट्रक्चर जहां पे कि आपका मेगा स्पोर बनेगा है ना तो अब हमारे पास एन में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमारा प्यारा ओव्यूल बना दिया गया है कुछ ऐसे अरे यार कर, लिया कर लेना ड्रॉ कर लेना ड्रॉ ठीक है प्लीज कर लेना ड्रॉ अगर ड्रॉ नहीं किया है तो इसको ड्रॉ करना hmm. चलिए अब यहां पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखो ओव्यूल का मेन बॉडी ये वाला है बेटा दिस यहाँ पे ये डंडी हो गई उसकी। तो इसकी डंडी थोड़ी मुड़ी हुई है फिर डायग्राम के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट देखते हैं ठीक तो दिस स्टॉक दैट यू फाइंड योअर यू इज कॉल्ड एज वन फ्यूनिकल फ्यूनिकल आप जानते हो इज द फ्लार्लारी ओव्यूल <laughs> ओव्यूल ठीक है इट्स स्टॉक ऑफ ओव्यूल चलो नेक्स्ट अब ये स्टॉक आता है मेन बॉडी के साथ इस पॉइंट पे ज्वाइन कर जाता है तो एक ना अटैचमेंट पॉइंट है ये वाला दिस इज नोन एज हाइलम हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे कि आपका फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ अटैच कर जाएगा जैसे ये आपका हाथ है यह आपका हाथ का स्टॉक ठीक है दिस इज दूल ये फ्यूनिकल ये वो पॉइंट है जहां से आपका फ्यूनिकल ओव्यूल को ज्वाइन कर रहा है आपका रिस्ट जो है दैट इज द ज्वाइनिंग पॉइंट अगर मैं यहाँ से काट दूँ इसको तो एक निशान रह जाएगा That Nishan is called as hilum. So the scar left at the point, scar left at the point of attachment between the ovule and its stalk is called as hilum. Cheek. Easy peasy. Very easy. <laughs> Super duper easy peasy. Chalo. Next. नेक्स्ट अब आ गया मेन बॉडी पे ठीक है मेन बॉडी जो है इसकी मेन स्ट्रक्चर जो है इसका इसमें मेरे पास बाहर दो प्रोटेक्टेड कवरिंग है प्रोटेक्टिव कवरिंग है वन इज कॉल्ड एज आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड फोर्थ इनर इंटेग्यूमेंट्स ठीक है आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट दोनों का काम क्या है बेटा प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव ठीक है ये साइड वाला रब कर दूं या यही छोड़ दूं बताओ ये वाला पोशन दिस इज समथिंग डिफरेंट टोटली हाँ ये अलग है करेक्ट बैठ जाओ थोड़ा शांति से ज्यादा जल्दी है ज्यादा जल्दी कहीं जाने की तुमको दो सेकंड वेट नहीं हो रहा ओके okay. किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई व्हाट आर दे प्रोटेक्टिंग दे आर प्रोटेक्टिंग द इनर मास ये जो अंदर वाला टिश्यू है इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ये टिश्यू को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ठीक है दिस टिश्यू विच दे आर प्रोटेक्टिंग द दूमेंट आर प्रोटेक्टिंग इज कॉल्ड एज न्यू सेलिस न्यू सेलिस दिस इज प्रोटेक्ट, मतलब द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड अभी आपको यहां जितना भी मैंने स्ट्रक्चर बोला ना ऑल दिस इज डिप्लॉइड सब कुछ डिप्लॉइड है इन टेग्यूमेंट्स की नहीं उसमें जो सेल्स होंगे डिप्लॉइड फ्यूनिकल के सेल्स डिप्लॉइड न्यू सेलस के सेल डिप्लॉयड अब आप ध्यान दो कि इंटेग्यूमेंट जाते तो हैं लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा क्रिएट कर देते हैं जहां कि टच नहीं हो रहे दर इज पोर फॉर्मड है ना इंटेग्यूमेंट गए लेकिन पूरा बंद नहीं हुए हैं एक छोटा सा पोर है यहां पे एंड दैट पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल दिस पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल ठीक जिस तरफ ये पोर है उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइल जिधर की तरफ है उसको बोलोगे माइक्रोपाइलर एंड जो उसके जस्ट ऑपोजिट साइड है ये वाला इसको आप बोलोगे चलाजल एंड ठीक है ओव्यूल का नीचे वाला हिस्सा जो गोल मटोल है है सेवेंथ पॉइंट हो गया ना ये सेवेंथ लेबलिंग हो गई

अभी उसके डिटेल में नहीं जा रहे अभी पहले ओव्यूल को समझेंगे इसके डिटेल्स पे भी हम आएंगे वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स अभी आज की ही क्लास में बट दिस स्ट्रक्चर ऑन द इन साइड इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमिटोफाइट फीमेल गे मी टू फाइट एंड इट इज है ठीक है आई बात समझ यहां तक लिख लिया बेटा आई होप रिटर्न तो एक क्विक रिविजन ज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल जिस पॉइंट पे ओव्यूल और फ्यूनिकल मिलते हैं उसको बोलते हैं कभी कभार एक होता है कभी दो भी हो सकता है कभी तीन भी हो सकते हैं लीची में तीन होते हैं दर्ड इंटेग्यूमेंट इज एडिबल कॉल्ड एज एरिले हमने पढ़ा था मोर्फॉलोजी में ठीक है नंबर वारी कर सकता है कभी कभार होता भी नहीं है एटेगमिक एक है यूनिटेगमिक दो है बायटेगमिक तीन है ट्राइ तो मोस्ट कॉमन दैट आर हैव इज दो दो वाला बट ये चीज अगेन नॉट इन एनसीआर थोड़ा एक्स्ट्रा है और टोटली ऑप्शनल इफ यू वांट टू नो ठीक फिर आता है हमारे पास ऊपर वाला पोर विच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल के अंदर किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो आप न्यूसेलस को दिस मास इज कॉल्ड एज न्यूसेलस और उसी माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पे आपको दिखाई देगा चलाजल एंड एंड इन देंटर यू विल फाइन एन एम सैक इन दू सेन ठीक है इस ओव्यूल को ध्यान से देखते हैं हम तो जो फ्यूनिकल है और माइक्रोपाइलर एंड है वो एक दूसरे के पैरल आ गए माइक्रोपाइलर एंडल टू ईच अदर राइट पैरल टू ईच अदर तो ये टाइप का जो अरेन्जमेंट है इसे हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल ठीक है ये ऐसा है यहाँ पे डिस्कस कर रही हूं मैं एक मिनट जो दो मेन समझने के हैं ना उनमें से एक है बेटा एना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल ठीक है एटी टू एटी टू एटी टू परसेंट एंजियोस्प में आपको मिल जाएगा वहीं पे एक दूसरा है जो सबसे प्रिमिटिव है नोन एज ऑर्थोट्रोपस ऑर्थोट्रोपसूल ठीक है अब बात मेरी ध्यान से सुनना ये सबसे प्रिमिटिव है मोस्ट प्रिमिटिव प्रिमेटिव का मतलब होता है प्राचीन पुराना ठीक है जो डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में वो कुछ ऐसा दिखाई देता है एक तो तुमने यही बना दिया था ना एक काम करता है चलो ऑर्थोट्रोपस बनाओ काइंड ऑफ़ गोज लाइक दिस दिस इज़ माइक्रोपाइल ये चलाजलेंड ये फ्यूनिकल ठीक है माइक्रोपाइल चलाजलेंड एंड फ्यूनिकल आर इन अ स्ट्रेट लाइन कैसे है बेटा ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन में है ठीक है अब एनाट्रोबस ओव्यूल देखो एनाट्रोपस ओव्यूल इज लाइक दिस दिस इज फ्यूनिकल ये माइक्रोपाइल ये चलाजल फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल और पैरल टू इच अदर ये ऐसे बेंड हो गया है इसीलिए एनाट्रोपस ओव्यूल को आप इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हो

ठीक है अब ये दो समझने क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो मोस्ट कॉमन है इसलिए इसको जानना जरूरी है ठीक है सबसे ज्यादा कॉमन वाला हमारे पास ओव्यूल सॉरी ओव्यूल ये वाला है इसमें इधर होगा इसको जानना क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम ऑर्थोड्रोपस से ही बताते हैं आप चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे पूरा घुमा दो ठीक है बट द पोजिशन ऑफ वॉट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट वेयर है ना आप रास्ता पूछोगे एड्रेस बताने लगोगे आप अपना घर हर साल तोड़ के नया बना देते हो है ना एक बार शेप शेप का एक शेप का एक बार हर बार अजीब अजीब तरीके घर बना रहे हो तुम लेकिन तुम्हारा एड्रेस सेम सेम रहेगा रेफरेंस सेम रहेगा तो पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ रेफरेंस रेफरेंस तो से तुम्हें क्या बताना है इसको लेना है पॉइंट ऑफ रेफरेंस ठीक है क्या माइक्रोपाइल हमेशा ऊपर होगा ठीक है दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ इट तो अगर आपसे कोई पूछ ले एंड जो है वो माइक्रोपाइल के ऊपर है या नीचे है वॉट इज द प्लेसमेंट अबव और बिलो सो माइक्रोपाइल टेक्स द टॉप पोजिशन चलाजल एंड विल ऑलवेज बी एट द बेस ठीक है ये इसको देख के समझ में आता है क्योंकि ये डायग्राम आपको इसलिए दिया गया है एन ने इसको इसलिए ऐसे बनाया है कि माइक्रोपाइल देखो भाई इनको ऊपर दिखेगा तो यह माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है ये इनके दिमाग में ऐसा इमेज बन जाएगा और चलाजल एंड नीचे होता है तो ये दिमाग में इमेज बन जाएगा गलती नहीं होगी बट एक्चुअली जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि चाहे कुछ भी स्ट्रक्चर हो ओव्यूल का माइक्रोपाइल विल ऑलवेज बी द टॉप पोजिशन आप हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखोगे ही माइक्रोपाइल पे खड़े होके चीजों को ठीक है आप माइक्रोपाइल पे ही खड़े होकर आगे के स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो हमेशा हमेशा हाइलम डू रिमेंबर हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल अगर आपसे कोई पूछ ले हाइलम कहां प्रेजेंट है वॉट इज द पोजिशन ऑफ हाइलम बिलो और अबव द माइक्रोपाइल सो हाइलम इज बिलो माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल इज अबव हाइलम समझे मेरी बात आप हमेशा ऑर्थोट्रोप्यूल को देख के ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताओगे कि ये चीज इसके ऊपर ये चीज इसके नीचे और ऊपर वाला पार्ट क्या है ऊपर इज माइक्रोपाइलर पार्ट माइक्रोपाइलर एंड क्लियर इज माई पॉइंट क्लियर चलो बढ़िया अब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ ओव्यूल आते हैं ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना इसलिए मेरे लिए ज्यादा जरूरी था बेटा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं अब आप हर बार ओव्यूल का शेप बदल दोगे तो हर बार पोजिशन थोड़ी बदल जाएगी हर चीज की हम हर एक में कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप बोलोगे नहीं एनाट्रोपस में तो इधर से इधर जा नहीं हेमी एनाट्रोपस में तो इधर से तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वी डोंट वॉन्ट दैट कंफ्यूजन टू हैपन तो हमने बोला जो पोजिशनिंग होगी जो आप बताओगे कि कहाँ किसका लोकेशन है दैट लोकेशन विल बी स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोपाइलर एन बाकी फिर तुम्हें जो करना है जहां जाना है जिसके पास जाना है वो करो ठीक है सो फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस ये तो आपने देख लिया दिस इज स्ट्रेट ऑफ यूल स्ट्रेट ओव्यूल है किसमें मिलता है आपको एग्जाम्पल यू विल फाइंड इट इन पॉलीगोनम ठीक है यू विल फाइंड इट इन साइकस एंड यू विल फाइंड इट इन पाइपर ठीक है फिर आता है ऑर्थोट्रोपस ये सॉरी एनाट्रोपस एनाट्रोपस तो इज 180 डिग्री रोटेटेड इसको हम इनवर्टेड ओव्यूल बोलते हैं और ये आपको मिलेगा मोस्ट कॉमन है सो दिस इज मोस्ट कॉमन ठीक है ये दोनों समझना है मेन बाकी भाई तुम्हारी श्रद्धा एनसीईआरटी में तो नहीं है बट मैं बता देती हूं ठीक है दैट रेस्ट इज अप टू टू यू यू इफ वांट इट्स ओके बट एक बार देख लो देखने में कुछ नहीं जाता राइट इफ दिस इज एनाट्रोपस कंप्लीटली वन एट्टी डिग्री तो जो नाइन्टी डिग्री पे होगा वो हेमी एनाट्रोपस हाफ एनाट्रोपस तो दिस इज एट नाइनटी डिग्रीज इन्वर्टेड है बट थोड़ा नाइनटी तक आता है आना तो पूरा नीचे चला जाता है ठीक है एग्जाम्पल ठीक फिर आ जाते हैं हम इधर ये हेमी एनाट्रोपस हुआ बेटा कंपाइलोट्रोपस में आप स्ट्रेट ही हो बट आपका माइक्रोपाइल थोड़ा सा नीचे डिप कर गया देखो ड्रूपिंग माइक्रोपाइल, ठीक है कंपाइलोट्रोपस, ड्रोपस एम्फी ड्रोपस एम्फी ड्रोपस में आपके पास एम्ब्रियोसैक का शेप चेंज हो गया तैयार इसमें आपके पास एम्ब्रियोसैक एम्ब्रियोसैक Is horse shoe shaped. ये बेटा अभी तक कहीं नहीं हुआ था देखो आप सब में आप ओव्यूल का शेप देखो ओव्यूल सॉरी एम्ब्रियो सैक का शेप देखो ये जो ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है ना ये एम्ब्रियो सैक है एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो सैक इधर 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 लगभग सही रहता है वो ओवल सा ही शेप है यहां पे वो हॉर्स शू शेप हो जाता है है ना क्या हो गया इधर इट चेंजेस द शेप टू हॉर्स शू शेप्ड ठीक है क्लियर है डन हाँ, तो एम्फी ड्रोपर्स वाला जो आपको दिख रहा है जो काफी हद तक उल्टा पुल्टा हो रखा है हॉर्स शू शेप वाला द एग्जाम्पल दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इज कहा लिखे लेमना एलिजमा पॉपी पॉपी कंपाइलो ड्रोपर्स आपको कुछ मेंबर्स ऑफ ब्रासिकेसी में मिल जाएगा ठीक है सम मेंबर्स ऑफ ब्रासिकेसी यू विल फाइंड कंपाइलोट्रोपस ये सबसे इंटरेस्टिंग है ये और ये सबसे अलग भी है सरसिनोट्रोपस सरसिनोट्रोपस टेक्स अराउंड वन थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न आप देखो ये पूरा घूम के सीधा हो गया है और तो जैसा आ गया अरेंजमेंट लेकिन डिफरेंस क्या है कि मेरा फ्यूनिकल इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है है ना दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज सीन इन कैक्टस तो ओपंशिया में मिलेगा आपको अब इतने सारे स्ट्रक्चर्स होने का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर जस्ट नेचर हिट एंड ट्रायल पे चल रहा था वी रियली डोंट नो ठीक है एज uh, सच तो कोई खास सिग्निफिकेंस मिला नहीं है कि इन्वर्टेड क्यों हो और ऐसा ही क्यों हो और वैसा ही क्यों हो मेनली जो ये है हिट एंड ट्रायल का ही एक रीजन हो सकता है और दूसरा बेस्ट पॉसिबल की सबसे कम डिस्टेंस आपके uh, क्या नाम है पोलन ट्यूब को ट्रेवल करना पड़े ठीक है टू रीच द एग सो लीस्ट डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई होगी शायद इसमें तो देखो ना आप कितना घूम फिर के आएगा वो कहां से आएगा वो पता नहीं राइट सो इट कुड बी जस्ट अ सिंपल हिट एंड ट्रायल फॉर रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन क्विकली ओके बेटा क्लियर चले आगे हम्म hmm. लिख लिया गुड गुड चलो मूविंग ऑन चलो ना आगे नोटेड गुड 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 ठीक बढ़िया थैंक यू चलो बेटा आगे ओके नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर आ गया दैट इज मेगास्पोरेंजियम इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम वी हैव और उसका कवर आने के बाद नाउ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड साइड न्यू सेलस का जो रीजन है ठीक है वहां पे हो रहा है ये द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरो जेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस नाव एन मेगा स्पोरोजेनेसिस वॉट एक्जैक्टली इज हैपनिंग इज हम है uh, चलो आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन इनवर्टेड ओव्यूल मैं ओव्यूल के अंदर ही दिखा रही हूँ बेटा आपको ना वरना कंफ्यूजन में ही जिंदगी गुजर जाती है तुम्हारी तो दिस इज योर न्यू सेलस एंड ओव्यूल ओके अरेंजमेंट बनाया ओव्यूल का एक बार ये और बना देती हूँ मैं इसको थोड़ा सा चलो फाइनल में बनाएंगे ये न्यू सेलस रीजन है न्यू सेलस के अंदर सारे के सारे सेल्स टू एंड डिप्लॉइड ऑल द सेल्स डिप्लॉइड उसमें से एक सेल किधर दर तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इधर की तरफ बोलेगा मैं आज से थोड़ा अलग हूं मैं आज से हूं आई विल बी डेजिग्नेटेड एज मेगा मदर सेल और मेगा स्पोर मदर सेल है तो टू ही होगा है ना मेगा स्पोर मदर सेल है तो टू ही होगा बेटा ठीक है बिना डिस्टेंस की जब मैंने बात करी पीछे वो डिस्टेंस हैज नथिंग टू डू विद तुम्हारे दिमाग में डिस्टेंस आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लासेंटेशन होते हैं राइट इट इज नॉट दैट सिंपल टू अलाइन द डिस्टेंस बहुत सारे अलग अलग के प्लासेंटेशन होते हैं कहीं यहाँ वहाँ रैंडमली अरेंज्ड है फिर टिशू हो सकता है नहीं हो सकता है हाउ थिक इज दिस वॉल हाउ थिन इज दिस दो आपका ओवरी वॉल बहुत चीजें फैक्टरन हो जाती हैं ठीक यहाँ पे आ जाओ पहले इसको समझ लो फिर डाउट्स के लिए है हमारी टू थर्टी वाली क्लास ठीक ओके ना मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल बोला मैं थोड़ा मोटा हो जाता हूँ थोड़ा न्यूट्रिशन ले लेता हूँ साइड से और हल्का सा अलग हो जाता हूँ क्योंकि मैं अब मियोसिस करने वाला हूँ ठीक है इसमें होती है मियोसिस वन जो बच्चे सेल साइकिल सेल डिविजन पढ़ चुके होंगे वो ये जानते हैं कि मियोसिस इज अ डूल डिविजन एक मियोसिस में दो डिविजन होते हैं मियोसिस वन एंड देन मियोसिस टू हमने मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हम पोलन ग्रेन बना रहे थे तो माइक्रोस्पोर जब बनाए तो माइक्रोस्पोर के टेट्राड बनाए वो माइक्रोस्पोर टेट्राड जब हमने बनाया है उस टाइम पे मैंने आपको सिर्फ मियोसिस लिखा था यहां मैंने मियोसिस वन मियोसिस टू इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है ये एनसीआरटी में है ये है प्रॉब्लम ये देखो एक सेल से दो सेल डायड का मतलब टू डायस टू तो दो मेगा बने और दो से फिर चार बने टेट्राड का मतलब फोर इसलिए मैंने आपको दो बार मतलब वन मीओसिस टू दिखा दिया वन एंड टू टुगेदर आर नोन एज वन मियोसिस, मियोसिस two, ये एक साथ मियोसिस ही कहलाएगा सो दे इज जस्ट वन मियोटिक डिवीजन अगर कोई भी प्राणी यहां ऐसा बैठा है जिसको नहीं पता कि ये मैं क्या बोल रही हूं मैम मिया 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 तो प्लीज गो एंड वॉच चल साइकिल चल रिविजन मैं हर क्लास में ये बोल रही हूँ और मैं हर क्लास में बोलती रहूंगी क्योंकि जो बच्चा खुद मेहनत करेगा खुद ढूंढेगा सेशन जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है प्लेलिस्ट में जाओगे प्लेलिस्ट बनी हुई है मेधावी की भी बनी हुई है और उसके अलावा भी मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है तो अगर इतनी मेहनत भी खुद नहीं कर रहे हो ठीक है तो so, हमारे पास क्या हुआ मियोसिस वन एंड मियोसिस टू होता है तो दैट इज कम्प्लीटली कॉल्ड एज वन मियोसिस वन मियोसिस से मेरे पास चार मेगास्पोर आ जाते हैं सो आई गेट अ मेगास्पोर मेगास्पोर टेट्राड ठीक ये मेगास्पोर टेट्राड जो है इंडिविजुअली हर एक सेल क्या हो जाएगा हैप्लोइड ईच सेल इज हैप्लोइड ठीक अब अगर ये माइक्रोपाइलर एंड था बेटा दिस वॉज द माइक्रोपाइलर एंड ये चलाजल एंड था तो ये माइक्रोपाइलर एंड ये चलाजल एंड ठीक ये तीन डी हो जाता है दिस इज दैट रिमेन्स फंक्शनल चार जो मेगास्पोर बने उसमें से तीन डिजेनरेट हो गए एक फंक्शनल रह गया यहीं पे जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था तो चारों के चारों जिंदा थे ऑल फोर वर फंक्शनल ठीक है ऑल फोर वर फंक्शनल यहां पे क्या हो गया तीन डिजेनरेट हो गए सिर्फ एक फंक्शनल बचा तो बेसिकली अगर देखा जाए ध्यान से तो एक से सिर्फ एक मेगास्पोर बनता है मेरे लिए तीन तो खराब ही हो जाते हैं तीन डिजेनरेट हो जाते हैं उनको हटा दिया जाता है एक को रखा जाता है कौन से वाले को रखा जाता है जो चलाज लैंड पे रह गया है ना जो चलाजलेन पे रह गया ये क्यों किया वहां माइक्रोस्पोर इतने सारे बनाए मैम यहां मेगास्पोर ने क्या पाप किया था मेगास्पोर इज लेस इन नंबर बिकॉज इट इज स्टेशनरी इसको कहीं जाना नहीं है ठीक है और हमें क्राउडिंग नहीं करनी है हम चार पांच छ सारे लगा देंगे अगर तो छह ओव्यूल बन जाएंगे एक ओ, एक ही एम्ब्रियो में एक, एक, एक ही ओव्यूल में छह एम्ब्रियो बन जाएंगे एंड दैट इज जस्ट टू मच ऑफ क्राउडिंग लड़ाई हो जाएगी न्यूट्रेंट के लिए पोलन इतनी इतने सारे इसलिए बन रहे है? चार कहवा दो आठ बना लो तुम बनाए जाओ क्यों क्योंकि इतने सारे को रिलीज करना है उसको ट्रैवल करना डिस्टेंस दिस इज वेयर हाउ एवोल्यूशनरली फीमेल हैव बीन थोड़ा सा रिड्यूस्ड इन नंबर मेल गमीत का नंबर सेम या बढ़ाया गया है बिकॉज दे आर द वन ट्रैवलिंग एंड फीमेल इज रिटेन्ड पेरेंट की बॉडी पे ही वहां हमें भीड़ नहीं मचवानी है ठीक है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं और कितने रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस किसी के लिए अगर यूज होने तो यू, बड़े जुडिशली यूज होने ठीक है थेके? करते तो है कुछ प्लांट्स करते हैं अभी बताऊंगी मैं आगे कैसे होता है वो राइट सो दिस इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस यहां तक समझ में आया यहां तक समझ में आया बेटा क्लियर बता दिया बेटा मैंने डी जनरेशन क्यों होता है सेम चीज छः बार लिखोगे तो छः बार थोड़ी पढ़ाऊंगी है ना चल रहे हैं आगे शाबाश मैम मैम जोअलॉजी भी पढ़ा देते पढ़ लो ना जो पढ़ाती हैं ठीक है थीके? अब तुम मेरे को कल परसों बोलना वहाँ केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते तो फिर केमिस्ट्री के लिए टीचर नहीं ढूंढना पड़ता वहाँ फिजिक्स भी पढ़ा लेते तो क्या ही बात थी ऐसा थोड़ी होता है अलग ही तुम्हारा ये भी पढ़ा लेते मैम हाँ एम बी बी एस के डॉक्टर भी आप बन जाते हैं हमारे डॉक्टर थैंक यू आई रियली अप्रिशिएट इट लेकिन ऐसा ना करू ठीक है बहुत सारे टीचर्स हैं अन अकेडमी पे ही इतने टीचर्स हैं फॉर जोलॉजी हाँ ठीक चलो अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर मेरे पास रही है ये फंक्शनल मेगा स्पोर अब बहुत ज्यादा मचाने वाला है ठीक है द फंक्शनल मेगा स्पोर आई यू विट द फंक्शनल मेगा स्पोर दट वी गेट हा ये महाशय फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक फंक्शनल मेगास्पोर हमारा तीन इसके भाई बहन टपक गए ठीक है डेड गॉन टाटा भाई बाय ठीक तो वो तो गए एक ही बच्चा है बेचारे इसी के ऊपर सारा जिम्मा तो इसने अब हरकतें करनी शुरू करनी है क्या करेगा माइटोसिस करता है इट गोज फॉर ठीक लेकिन इंटरेस्टिंग है कि माइटोसिस कैसा होता है कि हमारे पास प्री न्यूक्लियर माइटोसिस है मतलब कि हमारे पास सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है साइटोकाइनेसिस नहीं होता कैरियोकाइनेसिस क्या होता है न्यूक्लियस का डिवीजन तो न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड किया अब दैट इज अ ट्रिकी थिंग ये तो नहीं हो रहा था अभी तक ये यहां हो रहा है ठीक यहां से हम आते हैं एक और माइटोसिस की जनरेशन के साथ एक ऊपर वाले में माइटोसिस हो गया तो दो हो गए नीचे वाले में माइटोसिस हो गया तो चार हो गए ठीक है एक और माइटोटिक डिवीजन वही फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस मेटा माइटोसिस बोलू या माइटोटिक बोलू एक ही चीज है ये भी लिख देती हूं मैं माइटोसिस माइटोटिक एक ही चीज है मियोसिस मियोटिक एक ही चीज है ठीक है ये मैम क्या बोल रहे हैं तो पता है हमको ये मैं भी नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे भी लगता था कि तुम्हें पता है लेकिन जब मेरे पास आने लगे दो को दो हजार क्वेश्चन दिन के मैम मियोटिक मियोसिस सेम है मैम मियोसिस मैम मियोसिस सेम है मैम नहीं है देन आई डिसाइडेड कि नहीं चलो बता दो meiosis meiotic एक ही बात होती है meiotic division बोलते हो आप ज्यादातर या meiosis बोल दो एक ही बात mitosis mitotic division एक ही बात ठीक है चलिए एक और माइटोसिस होता है अब इस बार मेरे पास बन जाते हैं ये वाला पहला वाला न्यूक्लियस है ना इसमें डिवीजन हुआ दो हुए इसमें डिवीजन हुआ दो हुए ठीक है तो ऐसे करते-करते आई गेट एट न्यूक्लियाई नहीं न्यूक्लियर डिविजन से तो एक सेल बन गया है जिसमें आठ न्यूक्लियस है चार ऊपर वाले पोल पे चार नीचे वाले पोल पे ठीक इसको हम बहुत वेगली एक कॉन्सेप्ट को यूज कर जाते हैं जहां पे हम माइटोसिस और माइटोटिक जनरेशन सेम बोल जाते हैं विच इज छोटा सा गड़बड़ लेकिन आप ध्यान से देखो तीन जनरेशन ऑफ माइटोसिस हुई है है ना देर आर थ्री जनरेशन ऑफ माइटोसिस थ्री माइटोटिक जेनरेशंस ठीक है थ्री माइटोटिक जेनरेशन जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टू रेस टू द पार थ्री थ्री की वैल्यू कहां से आई एन से आई रुको फॉर्मूला लिख देती हूं मैं माइटोटिक जेनरेशन के लिए फॉर्मूला होता है टू रेस टू द पार एन ये जानने के लिए कि आपके पास कितने सेल्स आ जाएंगे एन में आपको लगाना है थ्री ठीक है टू रेस टू द दर थ्री आपके पास एंड में आए आठ यू शुड गेट एक्सपोनेंशियली जा रहे हो ना आप देखना ध्यान से पहले माइटोसिस माइटोसिस के बाद अब दोनों न्यूक्लियस में हो रहा है फिर चारों में माइटोसिस हो रहा है तो एक से दो दो से चार चार से आठ आप एक्सपोनेंशियली जा रहे हो तो अगर आप ये गिनते हो कि कितने माइटोटिक जनरेशन चले जाएंगे तो एक जनरेशन में पहले में एक माइटोसिस हुआ दूसरे वाले में ये देखना है इसमें मैंने पहला माइटोसिस कराया एक माइटोसिस इसमें होता है तो मेरे पास दो न्यूक्लियस आते हैं ये माइटोसिस शो करेगा ये माइटोसिस शो करेगा तो मेरे पास चार आ जाएंगे ठीक है फिर ये फोर्थ माइटोसिस ये फिफ्थ माइटोसिस ये छठा माइटोसिस ये सातवां माइटोसिस तीसरी जनरेशन में आठ माइटोसिस चार माइटोसिस हुए हर एक ने डिवाइड किया है ठीक है एवरी न्यूक्लियस डिवाइडेड ठीक है तो तो मेरे पास कितने हो गए? सात हुए, तो अब एक और formula आता है ठीक है कितने माइटोटिक डिविजन आखिरी में आप जानते हो आठ है एन माइनस वन एन क्या है नंबर ऑफ सेल यहां पर एन क्या है नंबर ऑफ माइटोटिक जेनरेशन एन-माइनस वन यहाँ आप जानते हो आठ सेल हैं आपके पास टोटल तो कितने माइटोसिस हुए होंगे सात कितने माइटोसिस हुए होंगे सेवन अगर आपके पास 200 सेल हैं 200 सेल्स हैं और आपसे पूछता है कि यार मेरे को माइटोटिक डिवीजन कितने हुए ये बता दे तो 200-1 199 माइटोसिस हुए होंगे ठीक है अगर जेनरेशन पूछेगा तो आपको यह सोचना है कि टू रेस्टो तो पार मैं क्या करूं कि दो सौ आ जाए दैट विल बी द जेनरेशन ठीक है बट क्या गड़बड़ है ना कि बहुत वेगली इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया जाता है इवन इन क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जेनरेशन आपको ऑप्शन में दिए ही नहीं होंगे आपको पूछा होगा नंबर ऑफ माइटोसिस ऑप्शन में होगा ही नहीं लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में हमेशा एक होता है फर्स्ट वन और द सेकेंड वन इसके क्वेश्चन में कराऊंगी ढाई बजे वाले क्लास में आ जाना इसको और कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से पढ़ लेंगे अब हमारे पास आ गया से प्रॉब्लम क्या है भाई ये रीअरेंज होगा दीज एट न्यूक्लिया टू रीअरेंज देस इन दिन इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो ठीक है दैट इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो सैक लेट स्टार्ट विद इसको ले आओ बेटा और इसको अरेंज कराओ अब ध्यान देना ध्यान देना मेरा बेटा ये ऊपर वाला एंड चला एंड हो गया है। ठीक है अभी तक हम इस साइड पे माइक्रो पाइलर एंड बता रहे थे ठीक मैं एनसीआर के हिसाब से डायग्राम बता रही हूँ क्योंकि मैंने अगर जैसे तुम्हारा एग ऊपर करा ना तुम बोखला जाओगे ये नोटिस करो कि ये चलाजलैंड है अगर पीछे देखोगे इसी को तो ये यहां की तरफ आएगा चलाजलैंड यू गेट थ्री न्यूक्लिया टॉप एज एंटीपोडल सेल्स या सिर्फ एंटीपोडल्स एंटीपोडल्स आर ephemeral. Ephemeral का मतलब lived. ऐसा ही कुछ हमने शॉर्ट माइक्रोस्पोरजि में भी देखा था जहां पे मिडल लेज short lived, है ना ठीक है थ्री एंटीपोर्डुलवर्ड्स द चलाजल एंड तो तीन न्यूक्लियस ऊपर रह गए तीन न्यूक्लियस नीचे वाले थ्री न्यूक्लिया टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड एंड so, और दोनों तरफ से एक एक न्यूक्लियस नीचे आ गया बेटा बीच में दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस मूव कर गया बीच में दोनों पोल से जो न्यूक्लियस बीच में आता है उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया क्योंकि कहां से आए हो तुम तुम हो पोलर एंड से तो न्यू विल बी नोन एज पोलर न्यूक्लिया ये पोलर न्यूक्लिया क्यों क्योंकि दोनों पोल से आए हैं ठीक है दो पोलर न्यूक्लिया आ गए आपके पास ये है बेटा एग दिस इज दी एग ठीक पोलर न्यूक्लिया जिस सेल में प्रेजेंट है उसका मेम्ब्रेन भी ऐसे जाएगा पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट इनसाइड साइड अ सेल बेटा ठीक है जो पोलर न्यूक्लियर जिस सेल में प्रेजेंट है उस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल सेंट्रल सेल जो है वो एम्ब्रियोक का सबसे बड़ा सेल है सेल्ब्रियो का सबसे बड़ा सेल है बायोटेक पढ़ाया हुआ है स्पेशल क्लास पहले सेशन देख लेना हम लिख लिया यहां तक क्योंकि इसके आगे थोड़ा स्पीड बढ़ेंगे मतलब थोड़ी चीजें हैं ज्यादा लिखने को समझने को यहां तक लिख लिया ओके सो दिस पार्ट इज एंटीपोडल्स वेरी शॉर्ट लिफ्ट तीन होते हैं टूअर्स दी चलाजलेंड दो पोलर न्यूक्लिया ठीक है किस में सिचुएटेड है सेंट्रल सेल के अंदर ये सारे के सारे के ही रखेंगे ऑल ऑफ दिस विल क्योंकि हम मेगास्पोर से आए थे फंक्शनल मेगास्पोर इज द फीमेल गेमीट एग क्या है एग फीमेल है हा और ये क्या है बेटा दो दीज टू आर कॉल्डि एग और दो सिनर्जिड एक ये एग और ये दो सिनर्जिड साथ में कहलाते हैं एग एपरेटस एग एपरेटस तो एग एपरेटस में कितने सेल आए तीन सेल आए दो सिनर्जिड एक एग, एग अब अब ध्यान से देखो दोनों का अलाइनमेंट कैसा है सिनर्जिड के अंदर वैक्यूल ऊपर है इधर की तरफ एंटीपोडल्स को फेस कर रहा है एंटीपोडल को फेस कर रहा है मतलब चलाजलाइन पे है ठीक है और न्यूक्लियस नीचे की तरफ है दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड ये कौन सा एंड हो गया माइक्रो पाइलर एंड पूरा स्ट्रक्चर एक बार ओवरऑल ओवरव्यू बना के दिखाऊंगी मैं ठीक है माइक्रो पाइलर स्ट्रक्चर और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जेड के न्यूक्लियस होंगे चलाजल एंड की तरफ उसके वैक्यूल होंगे एग में उल्टा होगा एग विल द ऑपोजिट एग में न्यूक्लियस जो है वो चलाजल लाइन की तरफ है और वैक्यूल जो है नीचे की तरफ है इसका इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे तो जब मैं फर्टिलाइजेशन की क्लास पढ़ाऊंगी तब इसको डिस्कस करेंगे और ठीक है पॉइंट समझे एग का वैक्यूल वैक्यूल

ठीक है और वहीं पे सिनर्जेंट के माइक्रोपाइलर एंड पे आपको एक एक्सटेंशन में दिखेगी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा कॉल्ड फिली फॉर्म एपरेटस फिली फॉर्म एपरेटस सीन इन सिनर्जेंट्स एंड हैव फिंगर Like structure projections और इसका मेन काम है इट अट्रैक्ट पोलन ट्यूब तो ये केमिकल सी करता है जिससे कि पोलन ट्यूब इधर की तरफ आएगा नहीं तो एंटीबोटल में घुस जाएगा एंटी में नहीं भेजना है ना एंटी में नहीं भेजना एक नीचे माइक्रो पैलोन पे बुलाओ पोलन ट्यूब को ठीक है बेटा क्लियर है यहां तक राइट दिस इज अ एट सेल्ड सॉरी सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट सेवन सेल क्या हुआ है तीन एंटीपोडल्स एक सेंट्रल सेल दो सिनर्जेट और एक एग क्या बोलोगे आप इसको बेटा मैं यहां से हटा रही हूं है हाँ ऊपर वाला This is the development of development of embryo sac, which is also called as female gameto. फीमेल गेमिटोफाइट कैसा है फीमेल गेमिटोफाइट इज सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट इसे हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक पॉलीगोनम में एम्ब्रियोसैक ऐसा दिखता है ओव्यूल कैसा दिखता है ओव्यूल ऐसा दिखता है ठीक है पॉलीगोनम का ओव्यूल ऐसा है लेकिन सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियोसैक है उसका ठीक है सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक और यू कैन कॉल इट एस सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियट एम्ब्रिय ठीक है रेडी फॉर ओवरव्यू? लिख लिया यहां तक सब कुछ डन 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 एवरी वाली हाँ चलो गो चल ओवरव्यू इस पे आ रही हूँ आप स्ट्रक्चर पे ओके Ja! लगभग ठीक ही है स्टाइल सिग्मा ओवरी ठीक है ओवरी का ये जाएगा ओवरी वॉल, ठीक है दिस इज वॉल यहां से हम आ जाते हैं लेके हमारा ओव्यूल ठीक है ओवरी में ओव्यूल ओव्यूल इज इन्वर्टेडियर तो इसका लोकेशन समझ में आया यहां तक इसी को लेबल कर लेते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा अगर हम ओवरी वॉल बोल दें तो बेटर है ये जो चेंबर है लोक्यूल ठीक है दिस चलाजैंड चलाजलैंड ये एंड हुआ ये डंडी फ्यूनिकल डंडी जहां जुड़ेगी प्लेसेंटा ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स इंटेग्यूमेंट्स किसके किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं होल टिश्यू योर अंदर ये जो पूरा पार्ट है This is न्यू सेलस ठीक है ये जो येलो वाला पार्ट आ गया अंदर न्यू सेलस न्यूसेल की टू एन इंटेग्यूमेंट्स टू एन लोक्यूल तो खाली है टू एन स्टिग्मा स्टाइल टू म्यूनिकल टू एन इज मेजरली टू एन हो सकता है थोड़ा न्यूक्लियस में किसी किसी में न्यूट्रेटिव मटेरियल ज्यादा हो तो पॉलीप्लॉइड कुछ सेल्स मिल भी सकते हैं ठीक है ठीक है चले आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अंदर आएगा आपके पास एम्ब्रियो hmm. इधर आएगा आपका एम्ब्रियो सैक, राइट सो दिस इज एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी एन द सेवन सेल्ड एथ न्यूक्लिएड सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट एम्ब्रिय ठीक है चलाजल एंड चलाज पे कौन एंटीपोडुल एंटीपोर्डुल्स की प्लॉइडी एन बीच में कौन पोलर न्यूक्लिया इंडिविजुअल पोलर न्यूक्लियाई पोलो न्यूक्लियान यहां तक क्लियर लास्ट क्या आ गया नीचे एम्ब्रिय के पास आ गए इधर की तरफ आपके पास एग एपरेटस विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस न्यूक्लियस नीचे वैक्यूल ऊपर इसका वैक्यूल नीचे न्यूक्लियस ऊपर राइट दिस इज एग एपरेटस ये किसके रिस्पेक्ट में है बेटा विद रिस्पेक्ट टू एन इनवर्टेड ओव्यूल एन ओव्यूल जो सबसे ज्यादा कॉमन है ठीक है तो ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा आपका इम्रियोस का उसमें, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले आप क्वेश्चन सुनो ध्यान से क्वेश्चन सुनो ध्यान से पोलर न्यूक्लिया Is above or below antipodals. जल्दी दोबारा टाइम दे रही हूं बहुत बच्चों ने जिन्होंने गलत लिखा है उनका करेक्ट करने का एक और हिंट हम पोजिशन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं बेटा हम चाहे बनाए एनाट्रोपस हेमी एनाट्रोपस और ये वो चाहे कुछ बनाओ पोजिशन किसके रिस्पेक्ट में देखते हो माइक्रोपाइलर एंड के रिस्पेक्ट में देखते हो माइक्रोपाइलर एंड विल ऑलवेज बी द टॉप पोजिशन माइक्रोपाइलर एंड इज द टॉप पोजिशन अब आने लगे ना सही आंसर अगर माइक्रोपाइल टॉप पोजिशन है और मुझे इधर से देखना है तो एग ऑपरेटर्स इज एट द टॉप उसके नीचे आएगा पोलर न्यूक्लिया उसके नीचे आएगा एंटीपोडल और उसके नीचे आएगा आप यहां से देखोगे दिस इज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस माइक्रो पाइलर एंड विल बी एट द टॉप लेकिन मैंने आपसे किसके रिस्पेक्ट में पूछा ये तो पोलर न्यूक्लिया इज अबव और बिलो एंटीपोडल्स ये सबसे ऊपर है इट इज अबव एंटीपोडल्स अबव आयो अब नॉट ठीक है दूसरा सवाल टेक सम टाइम एंड आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखो माइक्रोपाइल ठीक है माइक्रोपाइल से जा रहे हैं ना हम आर प्लेस्ड अबव और बिलो एंटीपोर्डल्स सिनाजिड का पोजिशन क्या होगा अबव या बिलो एंटीपोर्डल्स आपको अबव पोजिशन क्या रखनी है सबसे हमेशा सिनजिड विद रिस्पेक्ट टू एंटीपोर्टल बेटा ध्यान दो सिनज विद रिस्पेक्ट टू एंटीपोर्टल है ना आपने देखा एनेट्रोप्यूल और तो बना दू और तो बना दू यहाँ पे जो भी खिचड़ी हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि आप इसको सीधा करके इमेजिन ही नहीं कर रहे हो ठीक है कोई भी बच्चा अगर गड़बड़ कर रहा है ना बेटा आप इसको सीधा करके इमेजिन करो ना आप माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल नीचे आ गया इसका इन्वर्टेड ओव्यूल है आप इसको सीधा कर लो इमेजिनरी यू टेक इट स्ट्रेट इन योर माइंड क्योंकि बोला मैंने माइक्रोपाइल टॉप पोजिशन लेगा अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो सिनोजेड ऊपर नहीं हो जाएगा एग ऊपर नहीं आ जाएगा एग एपरेटस के नीचे और पोलर न्यूक्लियर उसके नीचे एंटीबोडल्स है ना चाहे आना हेमी आना सर किसी भी तरीके का आपके पास ओव्यूल हो या पोजिशनिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थोट्रोपस आ जाओ एक बारी ये बनाया था ना तो इसमें क्या होगा कि इधर की तरफ आपके पास ये आ रहा है ठीक है ये पोलर न्यूक्लिया आ रहा है और ये एग एपरेटस आ रहा है लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है एग एपरेटस पोलर न्यूक्लिया एंटीबॉडीज स्पाइरल बना दो का, मुझे नहीं पड़ता पोजिशन सेम रिस्पेक्ट टू माइक्रोपाइलर एंड साइड टॉप पे होगा तो एग polar nuclei. Polar nuclei Antipodal ठीक है ये सबसे बड़ी गलती ये लाइन मिलेगी दो जगह मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स में जाना डायग्राम बनाया हुआ है गाइनोशियम वाले पोर्शन में हाइलम को डिफाइन करते टाइम बताया हुआ है जाके वो लाइन पढ़ो मेक सेंस ठीक है जहां पे फ्यूनिकल हाइलम का नाम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में वहां पे पढ़ना वगैरह को एक्सप्लेन करते टाइम टाइम एक्सप्लेन करते ये भी है ठीक है सो so, एक बार ये रिवाइज करना कुछ कंफ्यूजन है तो टू थर्टी वाली क्लास में आ जाना पिन किया हुआ है ऊपर लिंक इसके क्वेश्चंस भी आज हम करेंगे क्लास में एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द ऑफ द होल थिंग ठीक है ये है मेगास्पोरोजेनेसिस की कहानी अब मेगास्पोरोजेनेसिस जो हमने पढ़ा इट इज दिस वन दैट वी स्टडीड वाज नोन एज मोनोस्पोरिक इसको कहते हैं हम थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा मोनोस्पोरिक जब चार माइक्रोस्पोर बन, मेगास्पोर बनते हैं और उनमें से तीन डीजनरेट हो जाते हैं ठीक है मैम इसने नीचे वाले तीन कर दिए आपने ऊपर वाले तीन कर दिए आप गलत पढ़ाती हो हमको इसने आपको माइक्रोपाइल और चलाजल बताया नहीं है ठीक है अगर ये एनाट्रोपस एनोट्रोपस के हिसाब से चलेगा तो चलाजल एंड ऊपर आएगा जो किए जा रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्यूं? है क्यों क्योंकि एंटी देखो यहाँ बना रहा है ठीक है एंटीपोर्डल्स आपके पास इधर और इधर बन रहे हैं तो दैट वेरीज ओके आपको चलाजल और माइक्रोपाइल एंड इसने बताया नहीं है एनाट्रोपस के हिसाब से जाओगे तो ऊपर चलाजल एंड आएगा कॉन्सेप्ट मत खराब करो डायरेक्शन कोई भी कैसे भी लेफ्ट राइट -right करके लिख के दे सकता है यू शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर कि भाई कुछ भी हो जाए ये तो चला चलन वाला ही होगा ठीक है अब इसमें क्या था तीन डिजनरेट हो गए थे एक फंक्शनल रह गया था बट देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ऐसा डिविजन हो जाए कि मेरे पास बाईस न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर बन जाए ये कब होगा पहला माइटोसिस तो मियोसिस तो बढ़िया हुआ मियोसिस वन गुड़ उसके बाद भी हुआ नेक्स्ट टू की बात आई तो होता है बट उसका टू नहीं होता है तो दो न्यूक्लियस वाला मेरे पास सेल बन जाता है अब जब डीजेनरेशन का बात आती है तो नीचे वाला डीजेनरेट हो जाए कभी या तो ऊपर वाला डीजेनरेट हो जाए नाउ वेरी रेयर कंडीशन वी आर टॉकिंग अबाउट ये अपना अपने को इससे मतलब है बट ये काफी रेयर कंडीशन है बट पॉसिबल है तो ऐसे में आपके पास दो न्यूक्लिया आ गए ऑलरेडी स्टार्टिंग से अब आपका जो एम्ब्रियोसैक बनेगा वो दो मेगास्पोर से बना तो इसको हम बोलते हैं बायोस्पोरिक व्हेन टू मेगास्पोर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन ठीक है लास्ट कंडीशन ऐसी है कि कुछ डिजनरेट हुआ ही नहीं क्योंकि कभी साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं मियोसिस वन होता है साइटोकाइनेसिस वन नहीं होता है ठीक है मियोसिस टू होता है साइटोकाइनेसिस टू नहीं होता है तो क्या होगा आपके पास चार न्यूक्लिया आ गए चारों के चारों एक ही सेल के अंदर है आप डिजनरेट किसको करोगे सेल के अंदर का न्यूक्लियस थोड़ी मार दोगे तो आप डिजनरेट कर नहीं सकते आप इसी को ले गए हो एम्ब्रियोसाग बनाने तो ये दोनों सेल आप एम्ब्रियोसाग देखो दीज आर नॉट योर टिपिकल एम्ब्रियो ऑफ सेवन सेल एट न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस वाले नहीं बन रहे बट मैम क्या हो सकते है? बन जाएंगे बन सकते हैं सब पॉसिबल है जो तुम सोच सकते हो सब पॉसिबल ठीक है There is a possibility that से तो बनता ही है टेट्रास्पोरिक से भी बन सकता है टेट्रास्पोरिक से भी बन सकता है एंड हेंटी के पैराग्राफ की आखिरी लाइन है दैट मोनोस्पोरिक बायोस्फोरिक और टेट्रोस्पोरिक एम्ब्रियोसाक डेवलपमेंट इज पॉसिबल ठीक है बस उसे एक लाइन के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया राइट सो अगेन मैम ये याद करें इसके एग्जाम्पल मैम ये वो नहीं है ज़्यादा डिटेल में आपके पास बस वो एक लाइन है जिसके बारे में ये जानना जरूरी है कि हाँ सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक कैन बी फॉर्म फ्रॉम मोनोस्पोरिक जो कि बहुत कॉमन है पॉलीगोनम टाइप है लेकिन बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक से भी कंडीशन आ सकती हैं इट इज़ पॉसिबल एम्ब्रियोसैक कैन बी फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेरियंट नंबर ऑफ सेल्स बट सबसे ज़्यादा कॉमन सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर फॉर्म बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और जब मोनोस्पोरिक बोलते हैं उसका मतलब ये है कि कितने मेगा स्पोर्स इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो है हाउ मेनी मेगा के अलावा अरे हाँ टू थर्टी पे हमारी क्लास है उसकी मैं पी डी एफ सॉरी लिंक आपको इस पे भी शेयर कर दूंगी अभी ऑलरेडी शेयर भी है इसके अलावा आज और कल एट पी एम टुडे एंड टूम 8 पीएम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर मैं डिटेल में करा रही हूँ ऑन स्पेशल क्लास ठीक है आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम आई आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो आप लोग इसको जरूर फॉलो करोगे ठीक है तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ टूडेज एट पी एम एंड टुमोरोज एट पी एम क्लास दो दिन में हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर लास्ट चैप्टर और कंप्लीट कर देंगे जो मेधावी बैच में चलना चाहिए था यहाँ हो जाएगा ठीक है आइकॉनिक और प्लस यू कैन गो फॉर मोर इंटरैक्टिव सेशन डाउट क्लियरिंग ज्यादा वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ आप क्लास में जुड़ सकते हो टीचर्स के साथ एंड इफ यू नीड मोर टेस्ट प्लानिंग या आप कह सकते हो स्टडी प्लानर वगैरह आपको चाहिए टेस्ट एनालिसिस चाहिए तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो अभी अच्छी बात यह है कि आइकॉनिक का सिक्स मंथ का कोर्स जो है उस पर भी आपको घर पे मिल जाएगा नोट्स फिजिकल नोट्स विल बी डिलीवर टू योर हाउस फॉर सिक्स मंथ ऑल्सो ठीक है ये वाले सेशन मेडम मंडे को सात बजे प्रोटेस्टा का टेस्ट होगा तो आ जाइएगा बिल्कुल क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लान किंगडम ऑलरेडी स्टार्टेड एक ही सेशन हुआ है लेकिन आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो एक बार रिकॉर्डिंग देख सकते हो और मंडे से मेरे साथ वापस से क्लास में जुड़ सकते हो ठीक है सो दैट इज दैट कोड इज कॉमन लाइफ किसी भी चीज़ के लिए एनरोल कर रहे हो आप जिसकी भी मैंने अभी तक बात करी चाहे वो आइकॉनिक है चाहे प्लस है चाहे कोई भी बैच है नया इवन इफ यू आर डाउनलोडिंग दर द फर्स्ट टाइम पहली बार आप डाउनलोड करोगे तो की। की किसने बोला किसने भेजा तो यू कैन यूज कॉमन लाइफ कोड एंड ज्वाइन मी देर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अलावा यू हैव सिक्स मंथ का आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है मेक श्योर दैट यू आर सिक्स मंथ के भी सब्सक्रिप्शन पर आपको स्टडी मटेरियल घर पे मिल रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट इसके अलावा बहुत सारे और नए बैचेज आ रहे हैं निश्चय प्लस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कर ही रहे हैं उसके अलावा देर इज़ रणनीति एंड नीट टॉपर्स एंड लॉट ऑफ न्यू न्यू बैचेस ठीक है अच्छा ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए सब एनरोल करेंगे बेटा क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली रेगुलर और किन का स्कोर बेटर आ सकता है ठीक थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे बिकॉज दो तीन महीने में ना अच्छे से हम रेगुलेट कर सकते हैं अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं तो वी विल वर्क ऑन इट मेक श्योर कि आप इसके लिए एनरोल कर दो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ट्वेंटी थर्ड को पहला पेपर है बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यू गोइंग टू विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस बहुत सारे नए 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 स्कॉलरशिप स्लैब्स हैं फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव एंड हंड्रेड परसेंट टॉप टेन को हंड्रेड परसेंट मिल रहा है और, और प्राइजेस तो बहुत सारे हैं ही ठीक है तो चार टेस्ट होंगे टोटल दिस इज द प्लान फॉर द टेस्ट सारे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे प्रैक्टिस में मदद करेंगे आप लोगों के लिए ठीक है यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सबके लिए एनरोल करना है ठीक है पेपर देना है अच्छा है बुरा है नहीं है जैसा भी है आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू टिप्स टू स्कोर हाई मार्क्स और एटलीस्ट हाइयर मार्क्स वेन यू आर नॉन दैट वेल प्रिपेड ठीक है तो कुछ उसका भी डिस्कशन करते हैं राइट right. इसके अलावा यू कैन आस्क डाउट फीचर है आपके पास इसके अंदर आप क्लिक uh, कर सकते हो यू कैन सेलेक्ट एज मेनी डाउट्स यू वॉन्ट एंड यू कैन आस्क दोज क्वेश्चन एंड गेट योर डाउट्स क्लियर ऑन एन लर्निंग एप देर आर वेरियस मेरिट सर्टिफिकेट और मेडल्स भी मिल रहे हैं टॉप थ्री रैंकर्स को ये चीज़ भी जा रही है ठीक है ट्वेंटी फाइव रैंकर्स को एक मेरिट सर्टिफिकेट जाएगा टॉप थ्री के पास मेडल जाएगा एंड स्कॉलरशिप तो आपके पास है ही कॉम्बैट कल ये पेपर है ठीक है इलेवन ए ए एम फोर्टी फाइव मिनट्स ट्वेंटी एट क्वेश्चन काफी मस्त इजी क्वेश्चन होता है कॉमन लाइफ इज यड कॉमन लाइफ कोड यूज करके आप इसको एनरोल कर सकते हो ठीक है बेटा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी यर टूडे इट इज अवेलेबल ऑन वेब एज वेल एज एंड्रॉइड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप लाइकिंग इफ़ यू वॉन्ट दीज फ्री सेशन्स ऑफ वॉट नी टू कंटिन्यू आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उनको भी बताओ क्योंकि ये चीज़ चलती रहनी चाहिए ये फैमिली थोड़ा ग्रो करती रहनी चाहिए सो दैट द क्वालिटी सेशन ऑफ बॉटनी आई कैन कंटिन्यू ऑन द चैनल ठीक है थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन क्लासेज टू थर्टी जो भी डाउट्स हैं वो सब ले आना क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे सो मेक श्योर दैट यू आर देयर इन टू थर्टी क्लास और आज रात आठ बजे दोनों फ्री क्लासेज हैं बेटा टू थर्टी वाला भी फ्री है और एट पी एम वाला भी फ्री है एट पी एम वाले में वी विल बी डिस्कसिंग प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल्स थियोरी ठीक है मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ वहाँ पर जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं ठीक है ताकि आपको एक आइडिया लग सके दैट दिस इज हाउ वी टीच ऑन प्लस एंड हाउ थिंग्स गो ऑन प्लस ठीक है जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन क्लास कीप रॉकिंग एंड हैव अ नाइस टाइम